रेजा जी। चलिए गोविंद मालू जी, यहाँ पर जितेन मिश्रा जी का भी कहना है ये बात, और पवार जी ने भी ये बात कही है कि ये जो पाबंदियां हैं ये पहले लग जानी चाहिए थी कि आंकड़े बढ़ते ही नहीं, लेकिन ये पाबंदियां जो है अब देर हो रही है करते करते, बताए आंकड़े बढ़ गए तब जाके पाबंदियां लगाई हैं। जा सकती आर्थिक गतिविधियों को बहुत अनंत समय तक स्थगित नहीं रखा जा सकता, इसलिए लोगों को अवेयर होना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, और जो इसका प्रोटोकॉल है, जो इसकी आवश्यकता है, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, इसका पालन हम सबको करना पड़ेगा। दंडात्मक कार्रवाई बंद करना ये इसका स्थायी इलाज नहीं, ये जनता को समझ लेना चाहिए, और इसकी सरकार की भूमिका जो है व्यवस्थाओं की है, सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, और ये अच्छी बात है कि हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रहा है और लोग घर पर होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं और सामान्य दवाई ही असर कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है। ना ऑक्सीजन की जरूरत है, ना रेमडेसिविर, ना अन्य किसी उनकी, तो ये बहुत अच्छी बात है, और इसलिए प्रतिबंध की बात हमेशा की जाती है, लेकिन प्रतिबंध लगाना एक हमारा जो मध्यम वर्गीय वर्ग है, गरीब है, उस पर एक अत्याचार होगा, इसलिए सभी को इससे लड़ाई लड़ने के लिए जागरूकता का संदेश फैलाना चाहिए और एक अभियान चलाना चाहिए। सरकार ने भी आज इसी तरह के कुछ निर्णय लिए हैं और वो भी अनंत काल तक के नहीं लिए हैं। लेकिन गोविंद मालू जी, यहाँ पे जितेंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे मेलों के को बंद कर दिया गया है, कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं, तो फिर मंदिरों को खोला गया है, वहां तो अभी श्रद्धालु जा रहे हैं ना बड़ी संख्या में। जब हम कुछ निर्णय लेते हैं तो उस पर टीका टिप्पणी शुरू हो जाती है, मंदिर क्यों खोल रखे हैं और बाकी क्यों बंद है। मंदिर में वहां पर उनकी व्यवस्थाएं जो पहले बताई गई थी उस अनुसार होगी कि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी होगा, मास्क लगाएंगे और इतनी भीड़भाड़ नहीं होने देंगे। और कई जगह तो मंदिरों में जहाँ पर जिस दिन भीड़ होती है ज्यादा, उस दिन वो बंद भी कर दिए जाते हैं, हमारे यहाँ नहीं पूरे देश भर में। इसलिए केवल मंदिर को बंद करना, इस तरह की बात ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि बाकी जहाँ पर स्प्रेड ज्यादा होता है, जैसे समारोह हैं या कोई रैली है, जुलूस है या चल समारोह है, उन पर बंदिश लगाई जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ कोई नियंत्रण रहता नहीं है। इन हाउस मीटिंग के लिए भी उन्होंने कहा है कि 50% की उपस्थिति रहे, तो ये कई सारे प्रतिबंध लगाए, लेकिन बहुत सारे प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते और लोगों को स्व अनुशासन का पालन करना पड़ेगा। चलिए जितेंद्र मिश्रा जी, यहाँ पर आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया मालू जी ने, मैं आपसे पूछना चाहूंगी यहाँ पर कि इकोनॉमिक जो फिलहाल कंडीशन है वो काफी प्रभावित हुई थी, पिछली बार भी आर्थिक व्यवस्थाएं जो है काफी बिगड़ गई थी, ऐसे में पूरा लॉकडाउन तो नहीं होना चाहिए, पाबंदियां भी जो है फिलहाल भी लगा तो दी गई है, लेकिन क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से लगाई गई है पाबंदियां, बच्चों के आंकड़े इस बार ज्यादा है तो बच्चों को देखते हुए स्कूल बंद कर दिए गए हैं, लेकिन इन पाबंदियों के बावजूद जो है फिलहाल में कांग्रेस की और क्या अपेक्षा है कि और किस तरीके से जो है इसको रोका जा सकता है विपक्ष में? देखिए आप, ये नौनिहाल बच्चों को आज तक स्कूल खोल के रखे गए, आपको मालूम है पिछली बार जब दूसरी लहर कम भी हो गई थी फिर भी माँ बाप अपने बच्चों को भेजने को तैयार नहीं थे, जबरदस्ती उनके ऊपर दबाव डाला गया स्कूलों की तरफ से, खासतौर से प्राइवेट स्कूलों की ओर से, और उनको बच्चों को जबरदस्ती स्कूल के लिए बुलाया गया। हम लगातार आपत्ति करते रहे कि छोटे बच्चे हैं, जल्दी प्रभावित होंगे और परेशानी में पड़ेंगे, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं की गई। आज मेरा ये कहना है कि मालू जी कह रहे हैं कि सामाजिक कार्यक्रम हो या धार्मिक स्थल हो, उनमें गाइडलाइन, कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री आमंत्रित कर रहे हैं संक्रांति स्नान के लिए, स्नान में जब लाखों लोग नदियों के किनारे स्नान करेगा, आप भले ही उसको मेले का रूप ना दे लेकिन मेला लग जाता है वहाँ, और वहाँ कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, कैसे मास्क लगाया जाएगा और कौन से सैनिटाइजर लेके सरकार खड़ी होगी, मुझे स्पष्ट तो कर दीजिए। मुख्यमंत्री ने आमंत्रित किया है कि संक्रांति मेले में स्नान करने पर रोक नहीं है, तो कैसे उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो ये लग रहा है मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन का एक भी प्लांट तैयार नहीं हुआ, कल को खुदा न खास्ता इस बीमारी में, पौराणिक जी ने बताया कि सबसे ज्यादा आवश्यकता ऑक्सीजन की पड़ती है, और मुख्यमंत्री जी खुद सशंकित है ऑक्सीजन की सप्लाई को लेके, ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेके। पिछली बार इनके पास ऑक्सीजन के परिवहन करने के लिए टैंकर नहीं थे, ऑक्सीजन स्टॉक करने के लिए टैंक नहीं थे अस्पतालों में, और इनके पास ऑक्सीजन, और वही स्थिति मध्य प्रदेश में फिर। सरकार भले जागरण की बात कहे, जन जागरण की बात कहे,
लेकिन सरकार को अपनी तरफ के जो कर्तव्य है उनको भी ध्यान रखना होगा, अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना होगा। मुख्यमंत्री आज ये कहते कि वैक्सीन की उपलब्धता है, ऑक्सीजन की उपलब्धता है और जरूरी दवाओं की भी उपलब्धता है तो जाकर मन प्रसन्न होता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ये कहा मेलों पर प्रतिबंध है लेकिन धार्मिक स्थान खुले रहेंगे। आज मस्जिदों में नमाज होती है, भीड़ की भीड़ नमाज पढ़ती है, उसको लेकर सरकार क्या सोच रही है? आज जो संक्रांति मेले पे जो कल से नहाने के लिए लोग जाएंगे उनको लेकर के सरकार की क्या तैयारी, स्पष्ट करना चाहिए जी। चलिए गोविंद मालू जी, आप किसी कुछ सवाल किए हैं यहाँ पर जितेंद्र मिश्रा जी ने, जवाब दीजिए। बहुत अच्छा लगा क्या जिनके मुंह से नमाज शब्द तो निकला, नहीं तो ये तो केवल मंदिर के पीछे पड़े रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है जब मैं कह रहा हूँ स्व अनुशासन का पालन करना चाहिए, ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने आमंत्रित किया कि संक्रांति पर स्नान करें, ये इनकी कर्तव्य क्या है सरकार की ये नहीं बता है, ये इनका कर्तव्य खुद समझे। इनको ये भय दिखाने का कर्तव्य नहीं है इनका, लोगों को भय से मुक्ति दिलाने का काम है। ये भी सरकार में रहे हैं, कभी केवल अनाड़ी ढंग से कहीं भी आरोप लगा देना कि स्नान नहीं करेंगे, अरे कहाँ जा रहे हैं लोग? लोग समझते हैं खुद कि हम जाएंगे तो हमें कोरोना लगेगा। ये इस तरह की बातें, ये नकारात्मक सोच इनका, इसी कारण ये डूब गए अभी तक। चलिए पौराणिक जी, यहाँ पर आपने सेव शिवराज सिंह की सब पाबंदियां सुनी है कि उन्होंने क्या क्या बोला है इस टाइम पे, अब ऐसे में इन पाबंदियों के साथ अगर देखा जाए तो आगे यानी कि 31 जनवरी तक जो है स्कूल बंद करने की बात यहाँ पर कही गई है, लेकिन क्या इसके आगे और क्या किया जा सकता है? अगर केसेस और बढ़ते हैं 31 के बाद भी, बच्चों में संक्रमण अभी लगातार अगर फैलता है तो उसके बाद सरकार का क्या रुख हो सकता है, क्या यहाँ पर स्टेप लेना चाहिए सरकार को उसके बाद? देखिए नरेंद्र, एक चीज तो हमें माननी पड़ेगी कि बीमारी आती है तो आप सब चीजों को थाम नहीं सकते, रोक नहीं सकते। स्कूल में फैसला इसलिए अच्छा है क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो आपस में बच्चों के साथ खेलते हैं तो संक्रमण की आशंका रहती है, ये बेहतर फैसला है। आर्थिक गतिविधियों को नहीं रोक सकते, उनको संचालित करने के तरीके और बेहतर क्या हो सकते हैं? शिफ्ट में जो संख्या ज्यादा रहती है उसे कम करके किया जा सकता है, एक चीज। दूसरा, जहां तक आपने कहा कि आगे क्या किया जाना चाहिए, अगर मान लीजिए ये विकराल रूप लेता है, यदि 4,500 तक पेशेंट मध्य प्रदेश में सामने आ रहे हैं और गंभीर मरीजों की संख्या बढ़ती है और स्प्रेड ज्यादा होता है तो कहीं ना कहीं सरकार को, जैसे बाजार चल रहे हैं तो उन्हें शिफ्ट में चलाना होगा, इलाके हैं वहां की जो गतिविधियां होती हैं उनको भी समयबद्ध तरीके से करना होगा। और कई जिलों में तो जैसे एक पन्ना जिला है, वहां एक चीज उन्होंने कंपलसरी कर दी है कि दुकान पे सामान उसी को मिलेगा जो मास्क लगाएगा, बस में यात्रा वही कर पाएगा जो मास्क लगाएगा। अगर वाकई में इस तरह की प्रशासन फैसले ले और दंडात्मक जरूरत हो दंडात्मक कार्रवाई भी करे तो मुझे ऐसा लगता है कि आसानी से इस हालात पर नियंत्रण पाया जा सकता है। चलिए बहुत धन्यवाद जितेंद्र मिश्रा जी, संदीप पौराणिक जी और गोविंद मालू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और पैनल पर बने रहने के लिए। तो बिल्कुल अगर देखा जाए तो कोरोना की पाबंदियां जिस तरह से लगाई गई हैं, इस वक्त संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, बच्चों में खतरा ज्यादा है, साथ ही यहाँ पर थर्ड डोज जो है वो भी यहाँ पर फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाए जा रहे हैं। कई सारे आदेश यहाँ पहले भी जारी कर दिए गए हैं कि अब जो आगे छुट्टियां हैं स्वास्थ्य कर्मियों की वो भी यहाँ पर निरस्त कर दी गई हैं ताकि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त हो सकें, साथ ही हर चीज जो है वो सुचारू रूप से चलती रहे, आर्थिक गतिविधियां जो है वो जारी रहे। साथ ही यहाँ पर कोशिश है कि सभी लोग जो है वो जागरूक हो जाएं, सभी लोग जो है सजग हो जाएं, टेस्टिंग पर फोकस किया गया है। साथ ही यहाँ पर जो है इकोनॉमिक कंडीशन खराब ना हो उसको लेकर यहाँ पर लगातार फोकस किया गया है कि आर्थिक गतिविधियां प्रभावित ना हो किसी भी चीज से। साथ ही यहाँ पर जो है बड़े आयोजन में जो है सीमित कर दिए गए, बड़े आयोजन मना कर दिए गए हैं, तो वहीं मेलों पर जो है रोक लगा दी गई कि मेले नहीं लगाए जाएंगे, लेकिन अगर कोई घर का आयोजन है आपका, कोई शादी पार्टी है तो वहां पर सीमित संख्या में लोग जो है पहुंच सकते हैं। तो सारी पाबंदियां जो है लागू हो चुकी है और ऐसे में अब देखा जाए जिस तरीके से लगातार जो है इस वक्त कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, 31 जनवरी के बाद भी पाबंदियां और बढ़ाई जा सकती हैं, तो ऐसे में जरूरत जो है वो सतर्क रहने की है, जागरूक रहने की है और फिलहाल में अपना ध्यान रखनी है। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।